प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हमारे पास ना जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिकली टू फॉर्मूलाज हैं, वन इज साइन फॉर्मूला एंड अनदर इज कोसाइन फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनेंगे और याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये कहाँ पे यूज होंगे ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको ये याद रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास साइन फॉर्मूला, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के लिए हम लोग जो ट्रायंगल लेते हैं, वी टेक द ऑब्लिक ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जो जिसमें 90 डिग्री एंगल ना हो, ठीक है। तो हमारी एक कन्वेंशन है, हम जब भी एक ट्रायंगल लेते हैं उसको ए बी सी से डिनोट करते हैं, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, बी के ऑपोजिट में स्मॉल बी से, और सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये इनकी लेंथ ऑफ द साइड्स हैं, ठीक है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं, ये इनकी लेंथ ऑफ द साइड्स है। लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एडी और इसको हम लोग हाइट एच ले लेते हैं। नाउ अगर आप इसको देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू साइन बी। नाउ व्हाट इज ए बी, ए डी अपॉन AD को हम लिख सकते हैं H, और AB को C से डिनोट करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू साइन B, और H इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C साइन B, राइट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन। सिमिलरली अगर आप दें इन ट्राइंगल, अगर मैं ADC ले लेता हूं तो आपके पास ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू साइन सी आ जाएगा। ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन सी आ जाएगा, यानी एच अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी आ जाएगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से एच इज इक्वल्स टू बी साइन सी, इसको आप सेकेंड ले लीजिए, और हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, दिस इज बिगर सी, दिस इज अ स्मॉलर सी। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, take it as third। And ये हम लोगों ने क्या किया जब हम AD as a perpendicular draw कर रहे थे, suppose मैं एक perpendicular BE ले लेता हूँ, ठीक है, I take one of the perpendicular as BE, तो जब BE लूंगा तो definitely मेरे पास angle A और angle C इसमें use होंगे, तो फिर मेरे पास जो value आएगी वो आएगी A upon sin A is equals to C upon साइन सी बनेगी। तो हम इसी तरह से बोल सकते हैं कि सिमिलरली ए अपॉन साइन ए कैन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, या हम इसको बी अपॉन साइन बी भी बोल सकते हैं। तो इसको आप कंसिडर इट एज नंबर फोर। तो अगर हम इसकी बात करें तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम कह सकते हैं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। सो दिस इज द साइन फॉर्मूला, ये हमारा साइन फॉर्मूला। अब हम ये यूज कहां करते हैं,
आपके पास ना जनरली ये ए बी और सी किसको डिनोट कर रही होती हैं, ये साइड्स को डिनोट कर रही होती हैं, और ए बी और ये बड़ा सी जो है ये एंगल्स को डिनोट कर रहा होता है। होगा ऐसे ही आपको साइड्स गिवन होगी और एंगल फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, या एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी तो आपको दूसरी साइड निकालने को बोला जाएगा। सो दिस इज व्हाट द साइन फॉर्मूला इज, दिस इज कॉल्ड साइन फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग कन्वेंशनली इसको क्या लिखते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो हम कहते हैं कि लेट अस से इट इज इक्वल्स टू के। अगर मैं इसको के ले लेता हूं तो आई कैन आल्सो राइट इट एज कि ए इज इक्वल्स टू के साइन ए, बी इज इक्वल्स टू के साइन बी, एंड सी इज इक्वल्स टू के साइन सी। Now, अगर आपके पास कभी ट्रायंगल में कभी ऐसा डिनोट किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोला गया हो कि ए प्लस बी अपॉन सी अगर लिखा गया हो, तो यू कैन सिंपली कंसिडर इट एज कि ये के साइन ए प्लस के साइन बी अपॉन के साइन सी लिखा गया है। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको नोट करें, फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जो हम लोगों को इस कन्वेंशनल को यूज करेगा। ठीक है, तो आप पहले ये नोट करें कि ये कैसे आया, एंड देन वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस यूजिंग दिस कन्वेंशन। राइट, फटाफट से इसको नोट करेंगे। ठीक, नाउ हमें गिवन है फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी व्हाट वुड बी ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन टू और ए प्लस बी अपॉन सी। देखिए जी, जब हमारे पास ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो हम इसको क्या लेते हैं, हम इसको ऐसे मानते हैं कि फॉर ए ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल्स टू के साइन ए, बी इज इक्वल्स टू के साइन बी, ये कन्वेंशनली हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एंड सी इज इक्वल्स टू के साइन सी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, लुक एट द थिंग्स केयरफुली, अगर मेरे पास a प्लस बी अपॉन सी बोल रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं k साइन a प्लस k साइन b अपॉन k साइन c, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, k कॉमन ले लीजिए, दिस इज साइन a प्लस साइन b अपॉन k साइन c, दिस k एंड दिस k गेट कैंसिल, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, देन साइन ए माइनस बी अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं टू साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू। नाउ आपके पास क्या है, वी हैव, अगर आप इसको देखें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो a प्लस बी कैन बी रिटन एज 180 माइनस सी, और a प्लस बी अपॉन टू को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस सी अपॉन टू, यस इट कैन बी रिटन एज 90 माइनस सी अपॉन टू। तो देयरफॉर ये जो ऊपर है हमारे पास, हमारे पास ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू की जगह 90 माइनस सी अपॉन टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय, ये टू और ये टू आप चाहे छोड़ भी दीजिए, ये कैंसिल ही हो जाएगा, इसको काट दीजिए, वी आर हैविंग साइन सी अपॉन टू कॉस सी अपॉन टू। नो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, so it is cos c upon 2 into sin a minus b upon 2 whole divided by sin c upon 2 cos c upon 2, this and this finally gone, we are left with only sin a minus b upon 2 divided by sin c upon 2, so this is the answer for us। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर बनेगा। तो हमने कैसे यूज किया, ये सिर्फ हमें ये गिवन था, क्या गिवन था कि फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी व्हाट वुड बी ए प्लस बी अपॉन सी, लेकिन उसके इसमें हमें ए पता होना चाहिए क्या है, बी पता होना चाहिए क्या है, सी पता होना चाहिए क्या है, राइट।
एंड देन सिमिलरली जब ये आपसे इसका वैल्यू पूछता है तो आप अकॉर्डिंगली ये आंसर निकाल सकते हैं. द ओनली डिफरेंस हेयर विल बी, जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, k टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी, और k टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 cos a plus b upon 2 cos a minus b upon 2. सब वैसा ही रहेगा, सब चीजें वैसे ही रहेंगी, सिर्फ ये cos वाली चीज जो है ये as it is रहेगी, right? अभी नहीं, एक छोटी सी गलती मैंने की, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये cos में आएगा, दिस इज cos, यस दिस विल बी cos, मेरा आंसर cos a minus b upon 2 साइन सी अपॉन टू आएगा. और जब मेरे पास यहाँ पे माइनस का साइन बीच में आएगा तो ये बन जाएगा 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2. Everything will remain same. सिर्फ ये cos 90 minus c upon 2 sin c upon 2 में चेंज होगा. ये साइन और ये साइन कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin a minus b upon 2 divided by cos c upon 2. तो ये बात उल्टी हो जाएगी, प्लस और माइनस में सिर्फ इतना सा फर्क आएगा. तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं जल्दी से. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. अब हमारे पास जैसे हमें पता चल गया कि हम लोगों के पास जब ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम इसको ए को के साइन ए और बी को के साइन बी और सी को के साइन सी ले सकते हैं. सिमिलरली जब हमारे पास यहां पे ये बन रहा है तो हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज के टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, राइट, प्लस यहां पे लिख सकते हैं के साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, प्लस के टाइम्स साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी. Now, हम लोगों ने अब देखा कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कैन बी रिटन एज 180 माइनस बी प्लस सी. सिमिलरली बी कैन बी रिटन एज 180 माइनस सी प्लस ए, राइट. एंड इन द सेम वे हम सी के लिए भी लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी. अब ये मेरे पास क्या बन सकता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज के साइन 180 माइनस ए प्लस बी. ये आपको एक दो बार इसको करने की जरूरत पड़ेगी, देन ये चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, एंड देन फिर आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस बी प्लस सी into sin b minus c. Similarly, k times sin 180 minus c plus a into sin c minus a, and k times sin 180 minus a plus b into sin a minus b. Now, k कॉमन लूंगा और ये आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा ए साइन थीटा, यानी ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी प्लस साइन c प्लस ए इंटू साइन c माइनस ए प्लस साइन a प्लस बी into sin a minus b. So ये बन जाएगा sin b plus into sin b minus c, ये होता है sin square b minus sin square c. Similarly, ये आपके पास आ जाएगा sin square c minus sin square a, ये आ जाएगा आपके पास sin square a minus sin square b. Now if you look at these things, तो क्या आएगा बच्चे, ये आपके पास साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ए कैंसिल. सो फाइनली आई गेट द आंसर एज के इंटू जीरो. तो आंसर तो बड़ा सिंपल सा बना, लेकिन उसके लिए जो हमने पहले मेहनत की हुई है ना, वो हमें समझनी चाहिए कि हम लोगों को साइन फॉर्मूला
कैसे यूज करना है. सो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल जो हम लोगों ने की कि हम साइन फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं. आप नोट करें, फिर इसके बाद हम कोसाइन फॉर्मूला आगे देखते हैं. शाबाश. तो फिर से हम लोग पहले समझेंगे लेट्स से मेरे पास अगेन वही ट्रायंगल है, ये एबीसी. और इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं एडी. अगेन इसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट कर देता हूं. राइट. नाउ इफ यू सी हियर, तो मैं कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल एडीबी अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू कॉस बीटा. और हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू सी कॉस बीटा. नाउ ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि बीडी की वैल्यू जो है वो सी कॉस बीटा है. ठीक है, दिस इज सी कॉस बीटा क्योंकि ए बी हमारे पास ये आ रहा है. इन ट्राइंगल ए डी सी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, राइट, बाय पीजीटी. ठीक है जी. बट आप एडी स्केयर की अगर हम बात करें तो एडी स्केयर हमारे पास क्या आएगा, ऑल्सो इफ यू सी ये जो एडी स्केयर है हमारे पास ये आ जाएगा एडी स्केयर इज इक्वल्स टू ए बी स्केयर माइनस बी डी स्केयर. तो ये बन जाएगा आपके पास एडी स्केयर कैन बी रिटन एज ए बी स्केयर माइनस बी डी स्केयर वाई अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि ये हमारे पास क्या रहा है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है इस ट्राइंगल का, राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. ठीक है. अब हमारे पास लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इफ यू सी हियर तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर. बट डी सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इफ यू सी डी सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर, बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर. क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर, राइट. बिकॉज हमारे पास जो हमारे पास सी डी दिया गया है, सी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी लिखा जा सकता है. अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. लेट अस चेक इट, ये बनेगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
minus 2bc into bd. Now, if you see, ये minus bd square और ये plus bd square चला गया. अब मेरे पास बचा क्या? ac square is equals to ab square plus bc square minus 2bc into bd. If you see here, ac हमारे पास क्या है? ac is equals to b square. So I can write it as b square. ab is equals to c square. Then bc is equals to a square. माइनस टू बी सी इज अगेन हमारे पास क्या आ गया? ए. और बी डी, बी डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, दैट इज सी कॉस बी. यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा टू ए सी कॉस बी. इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो टू ए सी कॉस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहां से हमें क्या मिलेगा? कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी. तो ये हमारे पास कॉस बी हम लोगों ने निकाला. तो मैंने इसको याद कैसे रखा हुआ है ये आपने देखना है. जो एंगल हमारे पास है वो नेगेटिव में जाएगा, बाकी सब ए और सी में, बाकी वाली चीजों में रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कॉस ए लिखना हो तो आई विल बी टेकिंग इट एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके ऑपोजिट में जो है वो ए स्क्वायर माइनस में जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी. और इसी तरह से मैंने कॉस सी कैसे लिखा हुआ है? कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी. तो आपके पास इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट कोसाइंस ऑफ द एंगल इफ यू नो द साइड्स. तो ये हम लोग जनरली यूज भी ऐसे ही करते हैं. अगर हमें साइड्स गिवन हो और हमें बोला जाए कि एंगल निकालिए, पर्टिकुलर एंगल निकालिए, तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. जनरली क्वेश्चन जो इस पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हम लोगों को तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल दी जाती है और बोलता है फाइंड द एंगल विच इज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड या फाइंड द एंगल विच इज ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड. तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं बिकॉज हमें पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, smaller side have smaller angle opposite to it and greater side have greater angle opposite to it. So accordingly हम लोगों के पास dimensions given होगी और हमें cos sine of the angle की मदद से हम वो angle find out कर सकते हैं. आप note करें फिर हम questions करते हैं इसके ऊपर. Now हमें सबसे पहले क्या दिया गया है? जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास दिया गया है कि three sides of a triangle are this, this and this. यानी मैं सपोज लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 8 एंड c इज इक्वल्स टू 7. ये बोलता है फाइंड द एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड. तो या कई बार ये ऐसे भी बोल सकता है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल. तो ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड. ठीक है, तो इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है cos a. cos a इज इक्वल्स टू, अब यहां पे बोलते हैं कि हेयर a इज द greatest side. If you see, so angle A is greatest. So therefore हम लोग कह सकते हैं cos A is equals to B square plus C square minus A square upon twice BC. cos A is equals to 8 square plus 7 square minus 13 square upon 2 into 8 into 7. Or cos A is equals to 64 plus 49 minus 169 upon 2 into 56. Now, if you see here, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा cos A is equals to 60 प्लस 40 100 एंड ये आ जाएगा 113 माइनस 169 अपॉन 2 इंटू 56 विच इज माइनस 56 अपॉन 2 इंटू 56. तो आप देखें ये 56 और 56 कैंसिल हो गया, आपको कॉस ए का वैल्यू मिला माइनस 1/2. और इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल्स टू माइनस कॉस
पाई बाय थ्री, लेकिन कॉस नेगेटिव है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री, राइट। और दिस इंप्लाइज दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस टू पाई बाय थ्री, और ए इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री और 120 डिग्री। तो आपके पास एंगल ए इज दिस, तो आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको करें नोट, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। If you see in the next question, हमारे पास दो sides given है B and C, और हमें एक angle given है 60 degree, और हमें एक side निकालने को बोला जा रहा है। देखिए, दो angle और अगर एक side given हो तो हम लोग sine formula use करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक angle और दो sides given है तो again हम लोग use कर सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि cos 60 डिग्री या cos a इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, cos a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc। बस वैल्यूज लगाइए, cos 60 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, यह आ जाएगा 64 प्लस 25 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 5, दिस 2 एंड दिस 2 गॉन। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 25 दैट इज 89 माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज 89 माइनस 40, a square is 49, this implies that a is equals to 7, right? Now ye to aa gaya hamare paas directly ki jab hamare paas koi ek cheez missing hai hum log uske ilawa baki ki kisi bhi cheez ko, to basically is case mein na char cheeze hoti hain jaise cosine formula mein, ek angle, ek baki ki teen sides। अब डेफिनेटली बात इतनी सी है कि इन चारों में से कोई तीन चीजें पक्का गिवन होंगी, हमें चौथी चीज फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। तो इन चारों में से इस बार ए मिसिंग था, बाकी सारी चीजें गिवन थी, तो हमने ए फाइंड आउट किया। ठीक, सिमिलरली हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये हमारे पास बोल रहा है कॉस ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन स्मॉल बी। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जहां पे a और b गिवन हो हम उसको डायरेक्टली k साइन a और k साइन b ले सकते हैं। तो यहां पे आप देखें बेटा कि ये बनेगा हमारे पास cos a अपॉन k साइन a इक्वल्स टू cos b अपॉन k साइन b। ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बन गया cos a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन साइन बी, दिस बिकम्स कॉट ए इक्वल्स टू कॉट बी, और वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी। वंस वी गॉट ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि since angle a equals to angle b, therefore side opposite to them are also equal। और अगर opposite sides दो equal है इनकी, दो sides equal है, तो therefore triangle is an isosceles triangle। तो क्या चीज हमें given थी और हमने उसे क्या result निकाला, तो ये सब पॉसिबल तभी है अगर आपको साइन और कोसाइन फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया हो। तो आप नोट करें, फिर बात करता हूं आगे। तो हम लोग इसको फर्दर और कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को नेक्स्ट टाइम, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग अप द असाइनमेंट आल्सो।
बट मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अगेन साइन कोसाइन फॉर्मूला को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से करिएगा, सो डेट कि नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चंस करें तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो आज इतने रखते हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।